तो भाई आज हम एक बहुत ही एसेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और ये एसेंशियल इसलिए है क्योंकि लगभग 90-95% जितना भी फिजिक्स हम पढ़ते हैं इनमें इसका यूज होता है। और अगर आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ लिया तो आपकी पूरी फिजिक्स बहुत ही ज्यादा आसान हो जाने वाली है ना। तो चलो इसको सीखते हैं। तो वॉट आर दीज वेक्टर्स एंड वाई आर दे सो एसेंशियल, ठीक है, इस क्वेश्चन का अपन आंसर करते हैं। तो इसको आंसर करने के लिए हमें कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट चीज इज फिजिकल क्वांटिटीज, वो सारी चीजें, वो सारी क्वांटिटी जिसको आप टच कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो, है ना। तो जिन भी चीजों को हम फिजिकली परसीव कर सकते हैं, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें जिनको आप मेजर कर सकते हो वो कहलाती है अपनी फिजिकल क्वांटिटीज। अब इस फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ भी हो सकता है, जैसे फोर्स है, कितना डिस्टेंस है, कोई चीज का कितना ज्यादा मास है, कोई चीज में कितना ज्यादा वेट है, ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है ना। सारी चीजें जिनको आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। और ये डेफिनेशन हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। इसके बाद जो सारी मेजरेबल क्वांटिटीज है, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ये बेसिकली दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो पहला प्रकार है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा प्रकार है वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो वेक्टर पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा स्केलर को देख लेते हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए या जिनको बताने के लिए हमें सिर्फ एक नंबर की जरूरत है। जैसे अगर मैं बोलता हूं टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक नंबर से हमको सब पता चल जाता है कि भैया इतना टेम्परेचर होगा, इतनी डिग्री ऑफ हॉटनेस या इतनी कोल्डनेस होगी, है ना। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं कोई चीज का मास अगर 50 किलो है, तो सपोज 50 किलो की चावल की बोरी है कि नहीं, तो उसका मास हमें पता चल गया। कोई चीज का वॉल्यूम है, ठीक है, तो वॉल्यूम से हमें पता चल जाएगा कितना बड़ा कोई चीज है कि नहीं। इसी तरीके से डिस्टेंस, जैसे यहां से मार्केट की दूरी से 3 किलोमीटर है ना, तो इस तरीके से डिस्टेंस से हमें पता चल जाएगी यहां से वहां की दूरी 3 किलोमीटर है, ठीक है, या वहां से यहां की दूरी भी 3 किलोमीटर है। सिमिलरली बचपन से हमने जितने भी नंबर्स वगैरह के बारे में पढ़ा, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड सो ऑन, तो ये सारी चीजें भी स्केलर ही तो है क्योंकि एक सिंगल नंबर ही तो है ना। अगर बोलता हूँ 5, तो हमें पता चल जाता है कि कोई चीज, मतलब कोई चीज है जिनकी क्वांटिटी 5 है ना। तो ये सारी स्केलर क्वांटिटीज होती है। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज वो चीजें होती है जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा दोस्त है, तो ये सपोज यहां से यहां भाग रहा है या वहां से यहां भाग रहा है, कैसे भी भाग रहा है, तो अगर ये भाग रहा है और मैं इसको बोलता हूँ कि ये सपोज 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, तो मुझे ये तो नहीं पता ना किस डायरेक्शन में भाग रहा है। हो सकता है जमीन के अंदर घुस गया हो सकता है इधर भाग रहा हो, राइट टू लेफ्ट भाग रहा हो, लेफ्ट टू राइट भाग रहा हो, कैसे भी भाग सकता है, ठीक है। तो अगर कोई चीज, कोई क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज तभी कहलाती है जब वो एक स्पेशल मैथमेटिक्स, जिसको अपन बोलते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एलजेब्रा, वो फॉलो करता है, ठीक है। इसके बारे में अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और लॉज ऑफ वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो भी करे। इन सारी चीजों को हम वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर्स के एग्जाम्पल जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टॉर्क है, इनके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को बनाना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम सिंपली एक एरो से बताते हैं। अब वो एरो किधर भी डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जिस डायरेक्शन में इसका एरो है, ठीक है, ये जो है ये कहलाता है एरो का हेड और ये कहलाता है एरो का टेल। तो भाई वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो टेल से हेड की तरफ होता है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इस वेक्टर की जो लेंथ होने वाली है, लंबाई होने वाली है, वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। मतलब इसकी जो लंबाई है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल नहीं होता है। ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना। तो इसकी लेंथ इसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर आपने कभी गूगल मैप्स वगैरह चलाया होगा, तो उसको जब भी आप जूम करते हो तो साइड में देखना एक छोटा सा एक लाइन जैसा आता है, और उस लाइन में नीचे लिखा रहता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स से 10 किलोमीटर। ऐसे करके आप जब और ज्यादा जूम करते हो तो मैप में जो 1 सेंटीमीटर है वो रिप्रेजेंट करने लग जाता है दूरी को। मतलब 1 सेंटीमीटर कभी 10 किलोमीटर था, आपने जूम किया 1 सेंटीमीटर बन गया 1 किलोमीटर, आपने और जूम किया
वन सेंटीमीटर बन गया 100 मीटर। इस तरीके से जो 1 सेंटीमीटर है वो अलग अलग डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है मैप पे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ वेक्टर्स में भी है, ठीक है। तो इसकी जो एरो की जो लंबाई होने वाली है वो उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि इनको इतना ज्यादा एसेंशियल क्यों बोलते हैं। तो इनको एसेंशियल बोलने का रीजन ये है कि वेक्टर्स की बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, विच इज पर्सपेक्टिव इनवेरियंसी। बहुत खतरनाक सा टर्म है लेकिन उसको एकदम इजीली समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई वेक्टर मैं बनाता हूं तो मैं जैसे भी वेक्टर को बनाऊंगा आपको भी सेम टू सेम दिखेगा, उसमें कोई लेफ्ट राइट का ऐसा पंगा नहीं होता जैसे अपन मिरर इमेज वगैरह सोचते हैं ना। जैसे कैमरा पे जब अपन फोटो लेते हैं तो फ्रंट कैमरा से जब लेते हैं तो वो पलटी हो जाता है, मिरर हो जाता है, तो यहां पे वैसा कोई पंगा नहीं है। क्योंकि वेक्टर्स की यही खास बात है कि मैं जैसे ही बनाऊंगा आपको भी वैसा ही परसीव होगा, आप वैसे ही उसको देख पाओगे, समझ पाओगे, फील कर पाओगे। तो इसीलिए वेक्टर्स इतना ज्यादा यूजफुल है अपने लिए। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल अपन लेते हैं, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने एक वेक्टर को बना दिया, ठीक। तो अब अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मतलब अपनी एक्सिस को अगर 5 यूनिट आगे शिफ्ट कर दूं, राइट साइड को अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो मुझे कुछ ऐसा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो एरो है, इस एरो के जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स है मतलब टेल और हेड जो है उनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो जरूर बदल जाएंगे। लेकिन एक चीज नोटिस करो, क्या इस वेक्टर की लंबाई बदली क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। क्या इस वेक्टर की डायरेक्शन बदली क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्शन निकालने के लिए हम टैन थीटा यूज करते हैं। तो हमेशा जब भी आपको बोलेगा किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है तो आपको टैन थीटा क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन निकालने का क्या जुगाड़ है? कुछ नहीं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, ये जो एंगल होगा थीटा, इसका जो टैन थीटा होगा वो टैन थीटा ही आपको इस लाइन की डायरेक्शन बता देगा, बेसिकली स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। और इसके बारे में अपन ने कैलकुलस वाले वीडियो में भी देखा है कि किसी भी लाइन का, किसी भी टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो उसकी डायरेक्शन बताता है, तो आप कैलकुलस वाले वीडियो को भी देख सकते हो। तो टैन थीटा अपना होता है राइज ओवर रन। तो अगर मैं इसका राइज और रन बोलूं तो अपना राइज कितना होता है वाई एक्सिस में राइज, तो वाई में राइज कितना होगा इसका वाई टू है 5, यहां हो जाएगा 5। तो इस तरीके से अगर मैं कोऑर्डिनेट्स बना लूं तो मैं बता सकता हूं कि इसका जो राइज होगा वो राइज कितना होगा, ये वाला पार्ट वाई में कितना उठा हुआ है लाइन, तो दिस विल बी 5 - 2, तो ये हो जाएगा अपना 3। इसी तरीके से रन होता है अपना एक्स में की लाइन कितनी आगे चल रही है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स के बीच में कितना सेपरेशन है, वो इसका रन होता है, ठीक है। तो इसका रन हो जाएगा अपन लिखेंगे x2 - x1, 4 - 1 विल बी अगेन 3, ठीक है। तो राइज अपॉन रन अगर आप लिखते हो तो दैट विल बी 3/3, दैट इज 1। तो tan थीटा 1 कब होता है? 45 डिग्रीज पे। तो यहां से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्रीज, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से अगर मैं अपने सेकंड वाले नीचे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो इसमें आप अगेन देखो इसका राइज कितना है, देखो 5 - 2, दैट विल बी अगेन 3, तो इसका राइज हो जाएगा 3। और इसका रन कितना है? इसका रन हो जाएगा x2 - x1, तो ये विल बी अगेन -1 - -4, तो ये हो जाएगा अगेन 3। मतलब इसका अगर आप tan थीटा लिखो, मतलब इसका आप स्लोप लिखो, तो tan थीटा विल बी अगेन 3/3, तो दिस विल बी अगेन 1। देखो 45 डिग्री रह गया। इसका मतलब जब आप किसी भी वेक्टर को बनाते हो तो ना उसका डायरेक्शन बदलता है ना उसका मैग्नीट्यूड बदलता है, भले ही अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल जाए, ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हम आगे जाके बोलेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। तो इसीलिए अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई भी बनाऊं और आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे भी बनाओ, लेकिन अगर वेक्टर हमने एक बार बना दिया तो उस वेक्टर की ना डायरेक्शन बदलती है ना उसका मैग्नीट्यूड बदलता है। इसीलिए वेक्टर्स के साथ खेलना इतना ज्यादा यूजफुल है अपने लिए। तो अब इस कॉन्सेप्ट को अपन अपने दोस्त के पीछे भी लगा सकते हैं कि भाई ये किस डायरेक्शन में और कितनी वेलोसिटी के साथ भाग रहा है। और भी हम इसका एप्लीकेशन आगे देखेंगे अपने वीडियोस में और देखेंगे वेक्टर्स हमारी लाइफ किस तरीके से इतनी आसान कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।